डिटरमाइन द एपी, हमारा 16th क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 17th टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए। लेट एपी विद फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से लिखना होता है कि जो ए है वो क्या है और कॉमन डिफरेंस डी क्या है। बच्चे लिखते ही नहीं है, वो सीधा ए और डी लिखना शुरू कर देती है। आप एग्जामिनर को ये चीज एटलीस्ट बताइए ना कि आप ए किसको बोल रहे हो, डी किसको बोल रहे हो। ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 एन इज इक्वल टू 3। ठीक है, ए एन ए 3 इज इक्वल टू 16। वी नो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, दैट इज इक्वल टू 60। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो क्या कह रहा है, सेवंथ टर्म। सिमिलरली ए 7 इज इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज ए 7 इज इक्वल टू ए प्लस 6। एंड ए 12 इज इक्वल टू ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज ए 12 इज इक्वल टू ए प्लस 11d। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म, या आप कह सकते हो सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है, 12 है। तो ए 7 कितना है हमारा, क्या कह रहा है, सॉरी सेवंथ टर्म, और यहाँ पे फिफ्थ टर्म आएगा 5। ए 5 इज इक्वल टू ए प्लस 4, बट आपने ऐसे कटिंग्स नहीं करनी है, ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, ए 7 इज इक्वल टू ए 5 प्लस 12। ए 7 कितना है, ए प्लस 6d। ए 5 कितना है, ए प्लस 4d प्लस 12। अब ए से ए कैंसल आउट हो गया, तो क्या बच गया, 6d। 4d को इधर ले आए, 60 माइनस 4d इज इक्वल टू 12, 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 12 बाय 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो d क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, पुट इट इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करोगे, इसमें। ठीक है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो नाउ वी हैव a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 6, देयरफॉर द ए पी इज क्या हो जाएगी, 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।